अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना, वेलकम टू माय चैनल सना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप लोग? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंस्टेंटली डैंड्रफ रिलीफ हेयर पैक। मैं आपको ऐसा मिरेकल हेयर पैक बताऊंगी जिससे परमानेंटली आपकी जो डैंड्रफ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये हेयर मास्क जो है आपके स्कैल्प के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कौन से इंग्रीडियंट्स यूज़ होंगे इस हेयर पैक के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी नीड एलोवेरा जेल, और मैं यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करने जा रही हूँ। मैंने इस जेल के अंदर से जेल निकाल लिया है। जेल को निकालने के बाद इसको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड करके बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना लेती हूँ। लुक, इट्स फ्रेश एलोवेरा जेल। आपने इस हेयर पैक के लिए जो है फ्रेश एलोवेरा जेल ही लेनी है। अगर आप अपनी डैंड्रफ को ख़त्म करना चाहते हैं हमेशा के लिए तो घर में एलोवेरा का प्लांट लगा लें और आपने फ्रेश एलोवेरा जेल ही यूज़ करनी है इस हेयर पैक में। आप मार्केट की भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मैक्सिमम 100% रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप फर्स्ट जो है आप फ्रेश एलोवेरा जेल लें। हमारा जो सेकंड पावरफुल इंग्रेडिएंट है वो है जिंजर। हमें अदरक चाहिए। अदरक का जूस हम लोग लेंगे। आपने अदरक को छील के क्रश कर लें या पीस लें और उसका जूस जो है वो निकाल लें। अदरक जो है इसमें बहुत ही एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जिंजर जूस इज़ रियली अमेजिंग फॉर योर स्कैल्प हेल्थ। ये डैंड्रफ को इंस्टेंटली रिमूव करेगा। ये स्कैल्प स्किन से फाइट करता है। जितने भी हमारे स्किन इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो अदरक का जूस है, क्योंकि इसमें बहुत ही एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबायल एबिलिटीज़ होती हैं जो हमारे स्कैल्प इश्यूज को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। तो इसका यूज़ बहुत बेहतर है डैंड्रफ के लिए और इची स्कैल्प के लिए। आपके स्कैल्प को ये हेल्प प्रोवाइड करेगा। इट्स रियली बेस्ट। हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है लेमन। वी नीड लेमन जूस फॉर दिस मिरेकल डैंड्रफ हेयर पैक। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है जो बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये डैंड्रफ के ख़िलाफ़ पूरी फाइट करता है। ये आपके डैंड्रफ के लिए लड़ने के लिए रेडी है। सो प्लीज़ मस्ट ऐड लेमन जूस। इसका कोई नुकसान नहीं है आपके हेयर स्कैल्प के लिए। इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे स्कैल्प के लिए हमारे हेयर हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। और फंगल एक्टिविटीज़ जितनी भी होते हैं हमारे हेयर स्कैल्प में उसको भी जो है ये रिड्यूस करता है लेमन जूस। तो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट ऑयल। वी नीड कोकोनट ऑयल फॉर दिस हेयर पैक। कोकोनट ऑयल भी हम इसमें यूज़ करेंगे। कोकोनट ऑयल के बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। ये आपके स्कैल्प को हेल्थ देता है। उसके अलावा ये डैंड्रफ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ, आपको मैं जितनी क्वांटिटी बता रही हूँ आपने उतनी क्वांटिटी ही यूज़ करनी है इस मिरेकल हेयर पैक के लिए ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन बटन। और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, स्पेशली जिनको डैंड्रफ इशू है। बॉयज़ के लिए भी ये रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सबसे पहले एलोवेरा जेल लेंगे हम। ऐड ऑलमोस्ट 4 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। मैंने 4 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ले लिया। आपको जितना मटेरियल रिक्वायर्ड है आप उतना बना सकते हैं, बट मैं जितनी क्वांटिटी ले रही हूँ आई थिंक इट्स रियली इनफ फॉर योर स्कैल्प। इसको हमने स्कैल्प में अप्लाई करना है। ये हमारे बालों के लिए नहीं है, ये स्कैल्प ट्रीटमेंट है। ये आपके डैंड्रफ को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। हमारा जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है जिंजर जूस। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। जिंजर जूस जो है अदरक का जूस मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें जिंजर जूस ऐड कर दिया है। नाउ आई एम एडिंग 1 लेमन जूस। आपने 1 लेमन लेना है और वो पूरा 1 लेमन जूस जो है आप इसमें शामिल करेंगे लाइक दिस। स्क्वीज आउट द जूस। लुक गाइस, स्मेल इज रियली रिफ्रेशिंग। नाउ आवर लास्ट इंग्रेडिएंट कोकोनट ऑयल। आई एम जस्ट एडिंग 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। इसमें सबसे कम क्वांटिटी में जो मैंने यूज़ किया है इंग्रेडिएंट वो कोकोनट ऑयल यूज़ किया है। बाकी
अदरक लेमन और एलोवेरा जेल रियली पावरफुल फॉर योर डैंड्रफ। कोकोनट ऑयल की वजह से जो है आपके बाल ड्राई नहीं होंगे। आपने इस मिक्सचर को अपने स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई करना है और आप इसको मैक्सिमम जो है एक घंटे के लिए अपने बालों में लगा लें। आप अगर इसको एक घंटे तक लगा रहने देंगे तो ये मैक्सिमम इसके बेनिफिट्स जो हैं आपके स्कैल्प को मिल सकेंगे। एक घंटे के बाद आप किसी भी अच्छे शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लें। इस ट्रीटमेंट को आपने जो है हफ्ते में 3 दफ़ा करना है। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है आप इसे 4 से 5 दफ़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अगर आप एक वीक में इसको 3 दफ़ा भी अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे नेक्स्ट वीक आपका डैंड्रफ का इश्यू जो है बिल्कुल परमानेंटली आपकी डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी। फर्स्ट एप्लीकेशन से ही डैंड्रफ जो है आपकी रिमूव हो जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत ख्याल रखें। लव योरसेल्फ। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।